मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर पेपर फ्राई। ये एक क्विक रेसिपी है जिसे हम थोड़े इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाएंगे। इसके लिए सारे सब्जियों को बारीक काट लें, फिर 150 ग्राम पनीर को क्यूब्स में काट लें और अलग रख लें। अब पैन को गर्म करके एक बड़ा चम्मच मक्खन डाल लें। आप चाहें तो मक्खन के बजाय 2 छोटा चम्मच तेल यूज कर लें। इसमें डालें 4 बारीक कटे हुए लहसुन, 1/2 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और इनके हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। अब इसमें डालें 1 कटा हुआ प्याज और प्याज के थोड़े ट्रांसपेरेंट होने तक भून लें। अब डालें पनीर और पनीर के इस मिश्रण से अच्छी तरह से कोट होने तक मिक्स कर लें। हम डालें स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला लें। मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है। अब इसे 2 मिनट के लिए पका लें। स्टोव को स्विच ऑफ करके इसमें डालें 1/4 छोटा चम्मच क्रश्ड काली मिर्च और एक और बार अच्छे से मिला लें। पनीर पेपर फ्राई तैयार है। स्टार्टर या साइड डिश के रूप में गर्म सर्व करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।